पुंछ में भारतीय वायुसेना के काफिले पर हुई फायरिंग, संदिग्ध आतंकियों ने की फायरिंग, वायुसेना का एक जवान और सेना के चार जवान हुए घायल, काफिले को किया सुरक्षित, आगे की जांच जारी। सज्जाद गनी लोन ने किया उमर अब्दुल्ला पर पलटवार, कहा पहले हम उमर अब्दुल्ला को टूरिस्ट कहते थे, अब टरबाज कहेंगे, मीडिया और आवाम को अपने झूठे बयान से कर रहे हैं गुमराह। बीजेपी ने कुछ मुस्लिम लीडरों को लिया है किराए पर, उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला की तरफ किया इशारा। इफ्रा जान ने बोला सज्जाद लोन के बयान पर जवाबी हमला, कहा माजी और हाल की मिसालें हैं आवाम के सामने, सज्जाद लोन और बीजेपी के दरमियान ताल्लुक को करता है वाजे, बौखलाहट में दे रहे हैं बेतु के बयान, अपनी हार को देखकर उमर अब्दुल्ला के खिलाफ कर रहे हैं गैर महजब अल्फाज का इस्तेमाल। अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर नायब सदर मुजफ्फर शाह का बयान, कहा कश्मीर में बढ़ता जा रहा है इंतशार, इस हंगामे को मजीद बढ़ने से रोकने की है जरूरत, वादी कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और जम्मू और उधमपुर में कांग्रेस के उम्मीदवार की हिमायत करने का किया है फैसला, जम्मू कश्मीर की सभी सियासी जमातों को इंडिया अलायंस में शामिल होने की दी दावत। वहीदुर्रहमान पर्रा का बड़ा बयान, कहा एनसी और अल्ताफ बुखारी से नहीं है कोई जाती लड़ाई, आवाम की सही नुमाइंदगी करना चाहते हैं, लोगों से जताई इलेक्शन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की उम्मीद, पुलवामा के हार इलाके में चलाई पर्रा ने इंतखाबी मुहिम। बीजेपी लीडर रविंदर रैना का बयान, कहा जम्मू कश्मीर में बीजेपी की हैसियत किंग मेकर की है, हमारी हिमायत के बगैर नहीं जीत सकता कश्मीर में कोई चुनाव, बीजेपी की ताकत का हो रहा है सबको अंदाजा। एआरओ बराए माइग्रेंट डॉक्टर रियाज का बयान, माइग्रेंट वोटरों के लिए किया गया है माकूल बंदोबस्त, जम्मू उधमपुर और दिल्ली में पोलिंग मराकज किए गए हैं कायम, 1,13,000 माइग्रेंट वोटर्स वोट डालने के अहल। किश्तवाड़ में यौमिया उजरत पर काम करने वाले मजदूरों की भूख हड़ताल आर्जी तौर पर खत्म, सीवीपीपी मैनेजमेंट ने जायज मुतालबात पूरे करने की कराई यकीन दहानी, मजदूरों ने दी 30 जून तक की डेडलाइन। आरित्राल लिफ्ट इरिगेशन स्कीम गैर फ़ाल, बोचू इलाके के किसान परेशान, इसकी मुकम्मल होने के बावजूद पड़ी है बंद, काश्तकारी के सीजन में आबपाशी के लिए पानी की एक बूंद भी नहीं है दस्तियाब, 3 किलोमीटर दूर से लाना पड़ रहा है पानी।